हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज मैं बात करने वाला हूँ गीगाबाइट के मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड की सीरीज है ये, देखो मदरबोर्ड है J1800M D3P, ये वाला मदरबोर्ड है। और इस बोर्ड की मैं करूँगा अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, गीगाबाइट का मदरबोर्ड है और इसमें अल्ट्रा ड्यूरेबल सिस्टम दिया हुआ है, J1800M/D3P ये इसके अंदर है। और ये देखो इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर इंसर्ट, यानी कि मदरबोर्ड के अंदर ही इसमें इंसर्ट प्रोसेसर लगा हुआ है। और इसमें DDR2 रैम आप इसमें लगा सकते हो, DDR3 आप इसमें रैम लगा सकते हो। रैम के दो स्लोट हैं और ये इसी के फीचर्स हैं। गीगाबाइट का इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर इंसर्ट मदरबोर्ड में इंसर्ट है। J1800 ये सीरीज है और ये इसका मॉडल है J1800M D3PH, ये इसका मॉडल सीरीज है। और ये देखो मैं और इसके फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये इसके अलग अलग फीचर्स हैं जो मैं अभी आपको इसमें इंसर्ट करके सब कुछ बताता हूँ। ये देखो इसमें फीचर्स हैं इसके, और मैं फीचर्स के आपके बारे में बताता हूँ। ये इसमें देखो J1800M D3P, इसमें ये इसका मॉडल है। CPU इंसर्ट है इसमें इंटेल J1800 ड्यूल कोर प्रोसेसर 2.4 GHz में। और ये देखो इसमें डिस्प्ले है HDMI+VGA पोर्ट इसमें दोनों में दिए हैं। मेमोरी टाइप सी है, 2 चैनल DDR, आप इसमें 3 RAM लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। एक्सटर्नल स्लॉट दिए हुए हैं इसके अंदर। और USB पोर्ट है, 1 USB पोर्ट है और 3.0 के 2 USB पोर्ट हैं। ऑडियो लैन वगैरह सब कुछ फॉर्मेट इसमें वगैरह है। और ये देखो ये बहुत ही इसके फीचर्स हैं। और मैं करता हूँ इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। ये देखो मैं MRP दिखा रहा हूँ। ये देखो इसकी MRP है 5000 रुपये की इसकी MRP है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं करता हूँ इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। ये देखो ये इसमें मदरबोर्ड है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स ये इसके साथ मदरबोर्ड की ये ब्लेड है, ये इसको मैं साइड में रखता हूँ। और ये देखो साथ में दिए हुए हैं 2 SATA केबल, आप इसमें हार्ड डिस्क ऑडियो राइटर को आप इंसर्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। और ये है इसका गीगाबाइट का यूज़र मैनुअल, ये यूज़र मैनुअल है। इसको आप आसानी से इसको गाइडलाइंस करके और आप इसको आसानी से इसमें इंसर्ट कर सकते हो मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर। ये इसका यूज़र मैनुअल है। और ये है इसकी CD ड्राइवर की, इसमें आप ग्राफिक्स वगैरह, लेन वगैरह, ऑडियो वगैरह, अगर ग्राफिक्स वगैरह आप सब कुछ इसमें डाल सकते हो। ये ड्राइवर की CD है जो मदरबोर्ड के साथ है। और फ्रेंड्स अब मैं करता हूँ इस बोर्ड को दिखाता हूँ इसके फीचर्स के बारे में, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। ये देखो मैं इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखो इसमें 2 USB पोर्ट दिए हुए हैं यहाँ, और आप इसमें कीबोर्ड प्लस माउस दोनों ही आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो एक ही इसमें PS2 में अंदर। ये PS2 ऑप्शन है और ये VGA केबल है और ये है पैरेलल पोर्ट। ये आजकल चलन में कम हो गया है लेकिन फिर भी इस मदरबोर्ड में दिया हुआ है ये पैरेलल पोर्ट। तो ये इसमें ये इसकी एक अलग से खूबी है। और इसमें आप VGA के साथ पा सकते हो HDMI का फीचर्स का ये रहता है, आप कितनी भी बड़ी LED हो या कितनी भी छोटी LED हो, जिस LED में HDMI पोर्ट हो उसमें आप प्रॉपर तरीके से इसको लगा सकते हो। इसमें दोनों फायदे हैं, आप VGA हो तो VGA भी लगा सकते हो और HDMI हो तो HDMI भी लगा सकते हो। ये देखो 3.0 का इसमें USB ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें 4 USB दिए हुए हैं, 2 यहाँ दिए हुए हैं और 2 यहाँ दिए हुए हैं। और ये देखो इसमें LAN की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी दी हुई है और इसमें 5-in-1 ऑडियो सिस्टम दिया हुआ है। और मैं बताता हूँ आपको, ये देखो इसमें रैम के 2 स्लॉट दिए हुए हैं। ये देखो एक रैम का ये स्लॉट है और ये एक रैम का स्लॉट ये है। इसमें आप DDR3 RAM लगा सकते हो, इसमें आप 4 GB, 8 GB, 16 GB तक आप इसमें रैम प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो। ये देखो फ्रेंड्स इसमें प्रोसेसर इनबिल्ट ही लगा हुआ है और ऊपर इसके ये लगा हुआ है CPU फैन। ये लैपटॉप की जैसे ही फीचर्स है इसमें, यानी कि लैपटॉप के अंदर भी फ़ैन की एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं रहती है, इसी में भी वो फीचर्स दिया हुआ है इनबिल्ट, यानी कि प्रोसेसर इसी के साथ है और फ़ैन लगाने की आपको ज़रूरत है नहीं। हीट सिंक वगैरह ये करेगा नहीं क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा इसमें। ये साथ में दिए हुए हैं 2 SATA पोर्ट, आप इसमें हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। और ये देखो यहाँ आप इंसर्ट कर सकते हो ग्राफिक्स कार्ड, यहाँ प्रॉपरली आप ग्राफिक्स कार्ड अलग से लगा सकते हो। और ये PCI स्लॉट है, इसमें भी आप एक्सटर्नल कोई भी साउंड वगैरह और भी फीचर्स आप लगा सकते हो। ये देखो मैं इसके पूरे फीचर्स के बारे में बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ दिए हुए हैं, ये प्रॉपर तरीके से इसके पैनल वगैरह, USB वगैरह आप इसमें लगा सकते हो, प्रॉपर तरीके से ये काम करेगा। और ये यहाँ लगा सकते हो आप, ये 24 पिन है जो पावर सप्लाई की आती है ना, वो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। और एक पोर्ट की आती है 4 पिन की, तो आप यहाँ लगा सकते हो।
तो ये देखो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है और बहुत ही प्यारा और बहुत ही लुकिंग में भी शानदार मदरबोर्ड है। और ये गीगाबाइट कंपनी का मदरबोर्ड है। गीगाबाइट कंपनी वैसे भी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। ये देखो इसके फीचर्स जो मैं भी आपको दिखा रहा था, सब कुछ फीचर्स इसमें एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। ये देखो ये इसके सारे फीचर्स हैं फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया मदरबोर्ड के फीचर्स के बारे में, इसमें एक VGA प्लस एक HDMI सारे फीचर्स के बारे में आपको बताया। और ये बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड रहेगा और बजट के हिसाब से बहुत अच्छा, केवल 4400 रुपये में यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। 3 ईयर वारंटी है इसमें और ऐसा फीचर्स गीगाबाइट ने फर्स्ट टाइम निकाला है। एक्सटर्नल फैन लगाने की इसमें ज़रूरत है नहीं, इसमें लैपटॉप की ही तरह सब सिस्टम दिया हुआ है। VGA प्लस HDMI सब फीचर्स इसमें एडवांस हैं। इसमें आप 4GB 8GB 16GB तक रैम आप प्रॉपर तरीके से लगा सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।